हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदना। कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टबन यानी जो जिद्दी आपके चेहरे के ऊपर जाइयाँ हो जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती है, या तो बड़े बड़े कई बार खड्डे ओपन पोर्स की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आप घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हो। आज तक मैंने आप सबके साथ कई सारे वीडियोस एंड कई सारे DIY शेयर कर दिए हैं, एंड जिसको यूज़ करके मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने और सब्सक्राइबर ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ये जो वर्किंग और ख़ास करके इफ़ेक्टिव DIY है ना, खास करके झाइयाँ के लिए और जिनको मार्केट के केमिकल वाले ब्लीच सूट नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग DIY होगा। इसका फ़ायदा यह है कि ये बजट फ्रेंडली है, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइड इफ़ेक्ट होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और ख़ास करके आपको रिज़ल्ट जो मिलता है ना वो दुगना मिलता है। फेशियल से कहीं ज़्यादा, ब्लीच से कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मिलता है, और वो भी घर पर। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरा आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ना मैं बता देती हूँ कि हमें पिगमेंटेशन झाइयाँ की जो प्रॉब्लम है ना वो क्यों होती है। जस्ट एक मिनट सुन लेना। कई बार अगर आप बाहर जाते हो ज़्यादा तेज़ धूप के कारण UVA और UVB रेस से हमारे जो आउटर स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें स्किन के ऊपर काले कलर के धब्बे झाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ख़ास करके आपको ये जो पिगमेंट है ना मेलानिन नाम का, उसको कम करना है, जिससे आपकी स्किन फिर से वैसे की वैसे ही हो जाएगी। तो आप बाहर जा रहे हो तो ख़ास करके सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, और आपके फेस को अच्छे से कवर कीजिए। या तो अगर आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, या तो आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती होगी। कई बार हॉर्मोनल चेंजेस के कारण, अगर आप टीनेजर गर्ल हो, आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, या तो कई बार जेनेटिक की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम होती है ना झाइया की, वो हो जाती है। ये जो यहाँ पर मैंने पानी बना के रखा है, इतना ज़्यादा फायदेकारक है। इसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है रो पोटेटो यानी कच्चा आलू आपको लेना है मीडियम साइज़ का, और आपके घर में आपके पापा को, आपके मम्मी को, आपके भाई को, किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना तो आप घर पर ये DIY यूज़ कर सकते हो। मीडियम साइज़ का पोटेटो लेने के बाद उसके जो पिल है, उसके जो छिलके हैं, वो आपको निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना है पोटेटो को, आलू को आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर लेना है, क्योंकि जब आप पोटेटो को ग्रेट करते हो तो उसके अंदर से जो जूस होता है वो ईजिली निकल जाता है। और मेक श्योर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पोटेटो का कोई भी DIY यूज़ करो आपके चेहरे के ऊपर, तो आपका जो पोटेटो का जूस है वो काला नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर देख सकते हो बना के रखा है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पोटेटो को ग्रेट कर लो तो आपको छन्नी की मदद से उसका जो जूस है वो निकाल लेना है, निचोड़ लेना है, स्क्वीज कर लेना है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना आपका जूस यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जो चीज़ मिला, सबसे पहले आपको इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं। अगर आपको लेमन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो आप इसके बदले टमाटर का जो जूस है वो भी डाल सकते हो। जब लेमन एंड पोटेटो ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर बेहतरीन ब्लीचिंग का काम करते हैं, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के और बिना केमिकल के। तीसरी हमें जो यहाँ पर चीज़ मिलानी है वो है हनी, 1/4 टेबल स्पून जितना आप हनी डाल लीजिए। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है, ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। अब ये चारों चीज़ों की अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो ग्लिसरीन आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, हाइड्रेट करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है, रेडियंट करता है। पोटेटो का काम है सनटेन को दूर करना, पोर्स को मिनिमाइज़ करना, स्किन को इवन करना, और ख़ास करके हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन और जो स्किन के ऊपर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसको डिक्रीज़ करना यानी कम करना। और यहाँ पर हमने जो लेमन डाला है, लेमन हमारी स्किन को इवन बनाता है, ब्लीचिंग का काम भी करता है, और स्पॉट्स को हटाने का काम भी करता है।
तो इस तरीके से काफ़ी बेहतरीन आपका मिक्सर रेडी हो जाएगा। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि पोटैटो का जो कोई भी मिक्सर है ना, वो आपको जब भी आप तैयार करो ना, विद इन 7 to 8 मिनट्स के अंदर आपको उसको यूज़ कर लेना है। अदरवाइज आपका जो DIY है, आपका ये बनाया हुआ मिक्सर है ना, वो काला पड़ जाता है, तो मे बी आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, या तो कई बार आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमारा जो मिक्सचर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आपको आपका जो चेहरा है वो क्लीन कर लेना है। इधर आप यू नो वहाँ पर फेस वॉश की मदद से आप फेस धोकर आइए। और यहाँ पर जस्ट मैं यू नो नहाने के बाद तैयार होके बैठी हूँ, तो नॉर्मल रोज़ वाटर से मैं मेरा चेहरा क्लीन कर लूँगी। तो चेहरा क्लीन करने से होता क्या है कि हमारे फेस की ऊपरी परत पर जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत होती है, मेकअप होता है या तो इम्प्यूरिटीज होती है ना, वो हट जाती है। तो कोई भी DIY यूज़ करने का हमें फ़ायदा भी अच्छा मिलता है, और जो DIY होता है ना वो अच्छे से वर्क भी करता है। तो रोज़ वाटर की मदद से यहाँ पर मैंने मेरा जो चेहरा है वो क्लीन कर लिया है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि पोटैटो में जो स्टार्च होता है ना, उसकी मदद से ही हमारी स्किन ब्राइटन होती है और हमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको कॉटन लेना है, और कॉटन को ये मिक्सर में डिप करके आपको आपके पूरे फेस के ऊपर डिप डिप करते हुए लगाना है। लाइक हम जैसे टोनर कैसे लगाते हैं, बट बस वैसे ही आपको लगाना है। चाहो तो आप ये DIY को पूरी रात आपके चेहरे के ऊपर रख सकते हो, चाहो तो आप मॉर्निंग में इसे यूज़ कर सकते हो। पोटैटो में जो स्टार्च होता है उसकी मदद से हमारी स्किन ब्राइट होती है, स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के निशान, उन सबको लाइटन करने में, फेड करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, फेस के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना हो जाता है, तो ये आप यूज़ करना। वैसे भी थोड़े टाइम में गर्मियाँ आने वाली है, हम सबकी जो स्किन है ना थोड़ी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली भी हो जाएगी और थोड़ी डल भी हो जाएगी। तो ऐसे में आप आपकी स्किन को यू नो ब्राइटन करने के लिए, निखारने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। पोटैटो मेरा वन ऑफ फेवरेट यू नो, 4-5 चीज़ें ऐसी है कि पोटैटो, मुल्तानी मिट्टी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इससे जो आपकी स्किन होती है ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनती है, क्योंकि इसमें हमने ग्लिसरीन मिलाया है। तो सबके आपको फ़ायदे मिलेंगे, और हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के अलावा जो पोर्स की आपको काफ़ी प्रॉब्लम है ना, लाइक आपके पोर्स काफ़ी विजिबल बड़े बड़े दिख रहे, प्राइमर यूज़ करने के बाद भी वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली दिखाई दे रही है, तो आपकी स्किन को स्मूद करने में, आपके पोर्स को श्रिंक करने में, रिंकल्स को टाइट करने में, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में ये DIY हेल्प करता है। तो कच्चा आलू का यहाँ पर जो मैंने आपको DIY बताया ना, उसका आपको इस तरीके का कुछ रिजल्ट मिलेगा। दिख रहे हैं ना आपको, मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट, हाइड्रेटेड एंड एकदम मुलायम दिख रही है ना। धीरे धीरे करके रेगुलर यूज से जो भी सनटेन के मार्क्स होते हैं, और स्टबन यानी जो जिद्दी झाइया की प्रॉब्लम होती है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, फेड होने लगती है। तो ये DIY को आप ज़रूर ट्राई करना। आपको हफ्ते में इसे 3 बार ट्राई करना होगा, तब जाके आपको यू नो विजिबल और जो रिजल्ट होगा ना वो आपके चेहरे के ऊपर आपको दिखाई देगा। और इवन ये ना हमारी स्किन के बहुत सारी अलग अलग इश्यू को भी ट्रीट करता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए धमाकेदार और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल। आओ जो